तो इस पॉइंट पर जो फिजिकल कंसेप्ट है उसको आप देख चुके हैं कि यहाँ पर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अभी इस पार्ट के इस वीडियो के अंदर अभी यहाँ पर मैं एम्पियर्स लॉ को लिख दूँ और उसमें मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले आपको एम्पियर्स लॉ लिख कर बता दूँ कि लिख कैसे रहा हूँ। तो दैट इज डेल ऑपरेटर क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स जे प्लस जे डी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो थोड़ा ये सपोज करके चलते हैं कि जो इनकंसिस्टेंसी थी एम्पियर्स लॉ के अंदर, जिसको हमने बोल दिया था कि डाइवर्जेंस जे इज इक्वल टू जे इक्वल टू जीरो ऑब्जर्व हुआ है, सो दैट इज सेइंग कि वहां पर जो करंट सोर्स है वो आपका डीसी सोर्स है। तो क्या भाई एम्पियर्स का लॉ अल्टरनेटिंग करंट के लिए वैलिड नहीं है? तो नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, जे डी जो टर्म है उसको इंट्रोड्यूस किया, और जे डी जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है इस पॉइंट में, इस इक्वेशन में, इक्वेशन के अंदर। इस सिंपल वे में अगर हम उसको लिखे हैं तो वो होगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स दैट आई करंट प्लस आई, ये जो आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट है और जिसको मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस किया था। तो अब बेसिकली एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है उसकी नेचर क्या है, वो टाइप क्या है, वो कैसे दिखाई पड़ती है डिस्प्लेसमेंट करंट? क्योंकि नॉर्मल करंट को तो हम लोग डिफाइन कर देते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट करंट का वर्ड जो है हम लोग यूज करते हैं बट उसको देख नहीं पाते कि उसकी टाइप क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है। उसी पर्पज से ये यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको बताते हुए चलूँ कि ये एम्पियर्स का लॉ है और यहाँ पर जे डी जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी टर्म है, जिसकी नेचर, जिसकी वैल्यू हम लोगों को अभी यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। फॉर दैट मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग द डाइवर्जेंस ऑफ दिस इक्वेशन। सो डाइवर्जेंस लिया डेल डॉट डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ द राइट हैंड साइड म्यू नॉट टाइम्स दिस जे प्लस जे डी, राइट? नाउ रीअरेंजिंग द टर्म, यू नो दैट डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल इज इक्वल टू जीरो, आई एम राइटिंग डायरेक्टली हियर, एंड दिस टर्म कैन बी रिटन एज दिस टर्म आई एम राइटिंग म्यू नॉट टाइम्स डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे डी, एंड हियर यू नो दैट म्यू नॉट कैन नॉट बी जीरो, दिस टर्म मे बी जीरो, सो डायरेक्टली डाइवर्जेंस डॉट जे प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे डी इज इक्वल टू जीरो। एंड नाउ फर्दर वी कैन राइट डाइवर्जेंस जे डी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू जीरो विद दिस निगेटिव साइन। सो सॉरी, देर इज नो निगेटिव, जीरो विद निगेटिव साइन। डेल डॉट जे डी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे, एंड एट दिस पॉइंट वी हैव टू यूज द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन दैट सेज डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो अपॉन डेल टी। सो व्हेन आई पुट दी वैल्यू, जब ये डाइवर्जेंस ऑफ जे की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और रिजल्ट होगा डेल रो अपॉन डेल टी। सो नाउ डाइवर्जेंस ऑफ जे डी जो है किसके इक्वल है, डेल रो अपॉन डेल टी के। इसी पॉइंट पर मुझको अब रो की वैल्यू पुट करनी होगी जो फर्स्ट इक्वेशन है, जिसको हम गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, वो है डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्साइलन नॉट, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन वन कैन राइट रो इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट डेल डॉट ई, और इस वे में भी लिख सकते हैं डाइवर्जेंस डॉट ऑफ एप्साइलन नॉट ई। एप्साइलन नॉट ई इट सेल्फ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वैक्टर डी।
तो वन कैन ऑल्सो राइट डेल डॉट डी टू दिस वन. सो आई एम हियर जस्ट टेकिंग दिस वैल्यू एप्साइलन नॉट डेल डॉट ई ऑफ रो एंड सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू हियर. सो दिस बिकम्स एप्साइलन नॉट डेल अपॉन डेल टी डाइवर्जेंस डॉट ई. और फर्दर रीअरेंजिंग द टर्म दिस कैन बी रिटर्न एज डेल डॉट एप्साइलन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी. एंड नाउ आई कैन कंपेयर द लेफ्ट हैंड साइड दिस वन राइट दिस डेल डॉट जे डी इज इक्वल टू डेल डॉट एप्साइलन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी. सो जे डी इज इक्वल टू यू कैन राइट हियर एप्साइलन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी. व्हेन आई सब्स्टिट्यूट फर्दर दिस वैल्यू ऑफ जे डी हियर इन दिस इक्वेशन सो दिस डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस जे डी वैल्यू बेसिकली हियर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स दिस वेक्टर जे एज इट इज प्लस जे डी यू हैव दिस एप्साइलन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी विच बिकम्स फर्दर आफ्टर एक्सपेंशन म्यू नॉट टाइम्स जे प्लस म्यू नॉट एप्साइलन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी. सो इन एक्चुअल दिस इज दी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी. ये फॉर्म है और इस फॉर्म में आप अगर इसको केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं तो यू हैव ऑलरेडी सीन दिस टर्म डेल ई अपॉन डेल टी. और ये डेल ई अपॉन डेल टी टर्म जो है इफ यू रिमेंबर ये क्या चीज है, ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो राइट हैंड साइड में आपको ये जो म्यू नोट एप्साइलन नोट डेल ई अपॉन डेल टी टर्म मिला है ये बेसिकली आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की फॉर्म है जो आपको उस फर्दर इस पॉइंट पर मिली थी यहाँ पर जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स जो आपके कैपेसिटर की थी. उसके बीच में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज ऑफ द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपको मिला है. तो इस टाइप से आपका ये एम्पियर्स लॉ मॉडिफाइड हुआ और उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्म में इस टाइप से देखते हैं. तो अभी जो एक्चुअल एम्पियर्स लॉ है उसको हम लोग लिखते हैं डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स जे प्लस म्यू नोट एप्साइलन नोट डेल ई अपॉन डेल टी राइट. सो इन समरी आई कैन राइट द ऑल द इक्वेशंस डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्साइलन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ बी दिस इज सेकेंड लॉ इक्वल टू जीरो एंड थर्ड वन डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी. दिस इज द फेराडे लॉ एंड दिस इज एम्पियर्स लॉ फोर्थ लॉ. सो वन टू थ्री एंड फोर्थ. द पर्पज ऑफ दिस लेक्चर वॉज जस्ट टू एक्सप्लेन द फिजिकल कंसेप्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट. इन द अर्लियर टू वीडियोज द बैकग्राउंड फॉर दिस पर्पज इफ दिस लेक्चर व हेल्पफुल टू यू प्लीज देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दि चैनल. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर सच वीडियो लेक्चर आई विल टेल यू वन मोर थिंग दैट यू कैन विजिट माई ब्लॉग ऑल्सो www.apnifizics.
यहाँ पर भी आप इन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। थैंक्स वंस अगेन।